वेलकम गाइस, आज फिर मैं अपने चैनल पे आपको एक नई जगह लेके आई हूँ जिसे कहते हैं क्वीन ऑफ मसूरी। आज हम लोग इस समय जहाँ खड़े हुए हैं वो है क्या कहते हैं कैंडी फॉल। और हम लोग रुके हुए जा रहे हैं सामने, क्या कहते हैं चले चलते हैं, इसलिए आपको और अच्छे व्यूज दिखाई देंगे। चलिए गाइस, आप लोग देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। दी आप कुछ बोलेंगे, बताइए, बोलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यहाँ तो हमें बहुत मजा आ रहा है, ये कैंपटी फॉल का जो रोपे पॉइंट है, अभी हम लोग बिल्कुल मतलब ये सोचिए कि इतना एंजॉय करने वाले हैं ना जैसे आसमान में पहुँचने वाले हैं। नहीं, फिलहाल तो आसमान से उतर रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो आसमान से उतर रहे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मुझे यहाँ पे। और होप सो अगर आप लोग कभी यहाँ आए तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा आंटी, आप बताइए, आप यहाँ पे पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी कभी आए? थर्ड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे। वाओ, तो आपको अच्छा लगता है इसलिए आती है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो और बताइए आंटी, आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस महसूस होता है जब आप आई?
बहुत अच्छा लगा, अभी थोड़ा चलने में दिक्कत है। कोई बात नहीं, दोनों इसमें बहुत अच्छा लगा अभी सब। अच्छा फर्स्ट बार अभी आप कब आई थी? फर्स्ट 82 में आई थी। वाह कितना टाइम हो गया। हाँ बहुत टाइम हो गया, तब तो एकदम भाग भाग के सब करते थे, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। वैसे बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। चलिए तब तक थोड़ा और व्यूज देखते हैं गाइस। ये देखिए। और भैया आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, वैसे गाइस हम लोगों का भी फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा, जब बहुत से लोग बहुत फर्क है। हाँ बहुत फर्क पड़ गया, यहाँ भी कमर्शियलाइजेशन हो गया, ऐसा थोड़ी था पहले। हाँ। वो रोड से ऐसे, यहाँ से भी देखिए कितना ब्यूटीफुल नजारा नजर आ रहा है व्यू। अब हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल तो कैंटी फॉल के पास में, अब चलते हैं। ये देखिए गाइस, आप मेरे जो दीदी हैं, आज से मेरे हर वीडियो में आप मेरे साथ मेरी दीदी को देखेंगी, क्योंकि उनकी एमटेक कंप्लीट हो गई है, उनकी पीएचडी है वो हो जाएगी, इसलिए आप दीदी मेरा साथ देंगी और दीदी आपको यहाँ की जानकारी भी देंगी। कम ऑन दी बताइए। हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोगों से दोबारा मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहन को ज्वाइन करके भी काफी अच्छा लग रहा है। ये हम लोग की फर्स्ट ट्रिप है एक साथ पसूरी की, जहाँ हम लोग आए कैंपटी फॉल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे की बहुत प्यारा प्यारा, मतलब एकदम बहुत प्यारी वाटरफॉल हो रही है, और गर्मी के मौसम में इतना मतलब इंजॉय करने को मिलेगा ठंडे ठंडे पानी से नहा करके। आप लोग भी अगर यहाँ आए तो यहाँ पे जरूर आइएगा। और ये रोपवे का ये पॉइंट एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पे काफी मतलब अच्छा लगा हम लोगों को, बिल्कुल पहाड़ों की रानी में हम लोग खो गए हैं, मतलब ये कि यहाँ की वादी में हम लोग खो गए हैं। जब आपको नीचे से दिखाते हैं थोड़ा सा और ब्यूटीफुल नजारा, चलते हैं नीचे। फ्रेंड ये देख रहे हैं ये सीढ़ियां हैं जिनसे आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पहुंच जाएंगे। इतना मजा आ रहा है यहाँ के पानी की खूबसूरत है। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं फ्रेंड, जो इससे पहले वीडियो में आप देखेंगे जो झरना है, वो झरना भी आके कैंटी फॉल में मिलता है, और जो मार्केट आप देख रहे हैं वो मार्केट जो है वो कैंटी फॉल के लिए रास्ता है आने के लिए। तो गाइस आइए मसूरी और कैंटी फॉल जरूर आइए और इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। तो आई होप आप लोगों को भी मजा आएगा मेरी तरह जैसे मुझे आ रहा है। चलते हैं, मैं तो चल रही थोड़ा एंजॉय करने।
आगे जाओ आगे। मैडम एक आप दोनों का फोटो भेजो, ऐसे ही घर में आएगा। Thank you.
फ्रेंड ये देखिए यहीं से ये पूरा पानी नीचे यहीं से गिरता है। ये देखिए ये जो है जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको वीडियो में, ये देखिए यहीं से पूरा पानी ये जा रहा है। इस समय मैं बिल्कुल झरने के अंदर में हूँ और ये मेरी दीदी एंजॉय कर रही है। गाइस बहुत मजा आ रहा है, ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट पानी है और ये देखिए सामने भी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये दीदी अपना एक्सपीरियंस बताइए क्या लगा? लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एकदम ठंडा ठंडा पानी में नहा करके एकदम फ्रेशनेस हो रही है, जितनी थकान लग रही थी सब दूर हो गया मुझे तो। और आप ब्यूटीफुल भी बहुत लग रहे हो, ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल मैं इस समय बिल्कुल अंदर हूँ बिल्कुल। ये देखिए ऊपर से गिरते हुए पानी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ा सा व्यू मैं चेंज करती हूँ, सामने का दिखाती हूँ। अभी इस समय हम लोग बिल्कुल प्यूरी फॉल के अंदर में है, बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताएं। ये देखो दीदी को पास जाने का मन करा तो दीदी चली गई है, मुझसे ज्यादा एंजॉय कर रही है तो आप दीदी को देखते हैं। कैमरे से दूर पानी बिल्कुल दूर। गाइस दीदी तो बिल्कुल फुल ऑन मस्ती में है। मेरी सिस्टर एंजॉय कर रही है बहुत ज्यादा और इतना बिजी एंजॉय करने में कि इसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैं इसका शूट कर रही हूँ। ये देखिए मजा आ रहा है खेलने में साइड में, पर यहाँ पता नहीं यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ये लो मैं भी फेंकूंगी। गाइस देखो पानी कितना साफ हो गया फिर से, पानी नजर में गई कि कहीं ना कहीं पानी नीचे जा रहा है, आता जा रहा है वहां से और जाता जा रहा है, साफ पानी आता जा रहा है, गंदा पानी जाता जा रहा है, लोग बर्बाद कर रहे हैं पानी।
ये देखिए यहीं से ये पूरा पानी नीचे यहीं से गिरता है। ये देखिए ये जो है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको वीडियो में, ये देखिए यहीं से पूरा पानी ये जा रहा है। गाइस सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लॉकर रूम है जहाँ से हम लोगों ने अपना सामान रखा था। आप यहाँ से अपने जो अंदर पानी के अंदर जाने के लिए भी आप ले सकते हैं। ये सामने जो शॉर्ट्स वगैरह हैं, अगर आप घर से ना लाए हो तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट जगह चलते हैं। बाय गाइस। बस स्लो नहीं चल रही है क्या, रुक जाए પાણી જોવા જાય फ्रेंड। अब हम लोग जा रहे हैं गन हिल। अब दी बताइए कुछ बोलिए। यहाँ से भी बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पे 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये गन हिल है और वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ के व्यूज कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं व्यूज दिखा देती हूँ। कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ बिल्कुल, इट्स ऑसम प्लेस, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। यहाँ मसूरी आकर के बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्फाज नहीं रहे बोलने के लिए। हाँ मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, यहाँ के नेचर में मैं खो गई हूँ। गाइस आप लोग भी तैयारी कर लो जल्दी जल्दी मसूरी आने के लिए, जैसे हम लोगों ने कर लिया विदाउट एनी प्लान। आया खाना कर रहे हो खाया खाना खाने गया अरे हम तो ठीक है वो बहुत।
ये मसूरी का ग्लेन हिल का मेन पॉइंट है, जहाँ से आपको बहुत प्यारे प्यारे व्यूज दिखाई देंगे जो आप देख रहे हैं। और चलिए अब चलते हैं मार्केट की तरफ। और टॉय गेम भी है, श्योर प्राइस आ जाएंगे तब भी मिलेगा। देख रहे हैं अब हम लोग जो मार्केट में खड़े हुए हैं, अब यहाँ से शॉप स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं कहाँ कहाँ मार्केट है, चलते हैं। वैसे यहाँ मजा बहुत आता है। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं ये सारे गेम्स खेलने के लिए, ट्राई करके देख लीजिए। फिलहाल हम लोग का इतना अच्छा लक नहीं है इसलिए हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। आप अगर गुड लक हो तो जरूर ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मेरी फ्रेंड ने बताया और मेरी सिस्टर ने बताया कि यहाँ पे पूरा मार्केट का व्यू है। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे आइटम्स हैं। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, आपका कोई भी सामान लीजिए, ये बेसिकली कि मतलब गर्ल्स मार्केट कह सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स शॉप है। हाँ मतलब यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिल जाएंगे। और मतलब गेम्स का है, अगर कोई गेम्स का शौकीन है तो उसे भी मतलब फुल ऑन मज़ा आने वाला है। चलते हैं हम लोग, अब फॉलो करते हैं दी को, फॉलो करते हैं। मुझे फॉलो करने से अच्छा है आप अगर मसूरी में आकर ये सारे पॉइंट। नहीं नहीं फिलहाल तो आप ही को फॉलो करने में फायदा है। बिल्कुल आइए मैम, यहाँ तो मैं आपको मैम ही बोलूंगी। फिर हाँ देखिए कितने अच्छे प्यारे प्यारे, अगर आपको ये लैंग्वेज आती हो तो आप एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत प्यारी धूप निकली हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी लेकिन अब ऐसे यहाँ आकर के बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत एकदम ओपन एरिया है और बहुत सुकून। और अगर आपको फ्रेंड भूख भी लगे तो सामने रेस्टोरेंट भी है। ये देखिए रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट है। जो मैं रेस्टोरेंट बता रही थी वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, उसके सामने से देख रहे हैं ये कितना प्यारा ब्यूटीफुल व्यू नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, देखिए सामने दी तो किसी वादियों में खो गई है, पता नहीं किस ख्याल में सोच रही है। आप मुझे बता सकेंगे आप कहाँ खोई हुई है? मैं इन वादियों में खोई हुई, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे यहाँ पर। आप श्योर हैं? आई एम वेरी श्योर। ओके ये बात तो गाइस बिल्कुल सच है कि आपको ऐसे मतलब वो ग्रास मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे एक खेती मतलब का जो कल्टीवेशन है ये बेसिकली ऐसे ही स्टेप वाइज है, ठीक है। और जो रास्ते बिल्कुल घुमावदार लग रहे हैं और यहाँ पे जो घर है बिल्कुल छोटे छोटे से दिख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू देखने को। और रात में तो और भी अच्छा लगता होगा जब लाइटनिंग होती होगी। कोशिश करेंगे फ्रेंड कि आपको लाइट का भी शाम को दिखाएं कोई व्यू तो। मुझे जो यहाँ कार के दिखाने के लिए बता रहा है, और सामने अगर आप यहाँ देखें थोड़ा जूम करते हैं, वो सामने देखिए
वो जो स्टेप वाइज कटे हुए सीढ़ियों की तरह मुझे लग रहा है वहाँ पे वो खेती होती है शायद। सामने अगर देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, वैसे भी फॉग है काफी तो नहीं इतना क्लियर आ रहा है, लेकिन वो सामने खेती की जगह है। गाइस बहुत ब्यूटीफुल जगह है वैसे, पहाड़ों की रानी है मसूरी, ये बात बिल्कुल सच है। ये देखिए मैडम चलती चली जा रही हैं गन पॉइंट के पास। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप गन पॉइंट को, वही खड़े रहना। आ जाइए गाइस, यहाँ पे एक शनि मंदिर भी है जो आप सामने देख रहे हैं, और दी पहुंच गई है अंदर, तो मैं बाहर से ही वीडियो बना रही हूँ। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज। गाइस देखो अब तो वीडियो में दी भी साथ में रहेगी और इतनी ब्यूटीफुल दी है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच डियर डॉग, एंड शी इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। हेलो गाइस, बताइए आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आए हैं? पहले आ रखे लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम बाद आए हैं यहाँ पे। तो इस समय आप लोगों को कैसे अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम वाले एक्सपीरियंस शेयर करें अपना? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, नेचर से एकदम बहुत ब्यूटीफुल है एंड लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा अपना अपना नाम भी बता दीजिए। ऋषि। ओके तिवारी बोलते हैं नाम। और आप लोग आए कहाँ से, किसी चीज से? हम वैसे दिल्ली से हैं, अयोध्या से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। ओ तो नाइस, हम लोग लखनऊ से हैं। हम लखनऊ से हैं। मैं दिल्ली से। ओके मैं अयोध्या से हूँ, वो मेरठ से हैं। मतलब यूपी के काफी लोग हैं। हाँ ये मेरठ से यूपी से। गाइस यूपी के काफी लोग मिल गए हैं और आप इनसे कुछ पूछ लो। हाँ आप भी बताइए। यूपी वाले सब जगह मिल जाते हैं भाई, 22 करोड़ पॉपुलेशन यूपी की। क्या बताना, ये व्यू कैसा लगा, आने गन पॉइंट बना? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित दक्ष है। ये जो यूपी जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने बनाया था, यहाँ पे दरअसल पिकनिक करने के लिए आते थे। ओके और मतलब ओवर द टाइम यानी एक हिल स्टेशन बन गया प्रॉपर। अच्छा गाइस देखिए हमें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल हो अगर आप घूमने आए नेक्स्ट टाइम तो।